बहुत लेट तक जो है क्लास ज्वाइन करते रहते हैं, जिससे कि हमारी स्टडी हो नहीं पाती है। तो प्लीज आप थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिए। अपने टाइम का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। उस समय हो नहीं पाया तो आप ये हरकत करेंगे, क्योंकि मैं एडमिट कर रही थी स्टूडेंट्स, इसलिए स्क्रीन टच नहीं हो पाई, तो आपने यहाँ पर अपना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये फिल इन ए वाला देखिए, यहाँ पर लिखा है 1 लाख लिखा है। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर पहले साइन देखना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस का साइन है, और यहाँ पर इसका मतलब ये ऊपर सबसे पहले वाली जैसे मेन्यू एंड है, बीच की सब्ट्रा हैंड हो गई और लास्ट में डिफरेंस हो गया। तो जब आपको सब्ट्रा हैंड निकालना होता है तो आपको मालूम है कि मेन्यू हैंड सबसे बड़ी डिजिट होता है, नंबर होता है, आपको मैंने बताया है ग्रेटर नंबर। स्टूडेंट्स अगर ऐसे आप क्लास में ज्वाइन होते रहेंगे तो बार बार जो है वो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, और मैं क्या समझा रही होती हूँ, मैं खुद जो है वो कभी कभी फ्लोट बीच में ब्रेक हो जाता है। आपको मालूम है मेन्यू हैंड जो है सबसे ग्रेटर नंबर होता है, और सप्टा हैंड और डिफरेंस जो है वो स्मॉलर नंबर्स होते हैं। तो मेन्यू हैंड में से आप डिफरेंस को अगर आप माइनस कर देंगे, 1 लाख में से 42,305 को आप माइनस कर देंगे तो आपका सप्टा हैंड निकल जाएगा 57,695। सी वाला देखिए स्टूडेंट्स, सी वाले में प्लस का साइन है, जो हमने वो किया था कल, ध्यान नहीं दिया था शायद। प्ली वाले में प्लस का साइन है, प्लस के साइन के अकॉर्डिंग आप देखिए स्टूडेंट्स जो है इसमें क्या होगा। प्लस में आपको मालूम है कि जो टू नंबर्स होते हैं ऊपर दोनों, उस वो स्मॉलर होते हैं, और जो आंसर होता है प्लस में, जो आंसर को जो सम बोलते हैं वो हमेशा ग्रेटर होता है। आंसर में जो सम होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो हमें इसमें 4 लाख में से 2,98,765 को माइनस करना होगा। इसमें हमें जब प्लस का सम है और हमें जो है मालूम है कि आंसर सबसे ग्रेटर होता है, सम जो है आंसर को सम कहते हैं, तो वो जो सबसे ग्रेटर होता है उसमें से हमें जो है 2,98,765 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें 1,01,235 निकल के आ जाएगा। इसको मैंने आपको जो है ब्लैक बोर्ड पे भी करके दिखाए हैं, वो भी आपको फिर समझ में आ जाएंगे। ई वाले में भी, देखिए स्टूडेंट्स प्लस का साइन है, पहले सी वाले में भी प्लस का साइन था, इसमें सबसे ऊपर वाले डिजिट पूछी गई थी आगे के डिजिट, तो भी हमने आंसर में से जो डिजिट थी उसको माइनस किया था। ई वाले में भी प्लस का साइन है, इसका मतलब आंसर जो है सम जो है वो सबसे ग्रेटर नंबर होगा, और इन दोनों दोनों ही नंबर या स्मॉलर होंगे। तो इसमें से अब हमें 4,48,362 में से 4,35,507 को माइनस करना होगा। उसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो हमें इसका आंसर हमें मिल जाएगा 12,855, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट साइड में देखिए स्टूडेंट्स, बी वाला है, बी वाला क्वेश्चन है।
इसमें जो है माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन में मिन्यूहैंड जो है वो सबसे ग्रेटर नंबर होता है और सब्ट्राहैंड और डिफरेंस जो है स्मॉलर नंबर होता है, तो मिन्यूहैंड में से हम डिफरेंस को माइनस कर देंगे। 30,303 में से 6,565 को माइनस कर देंगे तो हमें 23,738 सब्ट्राहैंड आंसर मिल जाएगा। डी वाला देखिए, अब इसमें यहाँ प्लस का साइन आ गया है, प्लस के साइन में जो है सम जो है वो जब जो आंसर है इस क्वेश्चन के बाद वाला वो सबसे ग्रेटर नंबर होता है, तो 13,001 में से 12,999 को हम माइनस कर देंगे तो हमें जो है दूसरा नंबर 2 मिल जाएगा। ये दोनों ही नंबर सम में स्मॉलर होते हैं। इसी तरह से एफ वाला है, 77,000 में से जो है उसमें से 54,238 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें दूसरा नंबर 22,762 मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने बुक एक्सरसाइज कल कर ली थी, 5C जो है वो ब्लैक बोर्ड पे होगा, 5D भी ब्लैक बोर्ड पे होगी और 5E भी। अब मैं दूसरा एक मिनट आपको पोर्टल दिखा रही हूँ जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे काम किया है, दूसरा जो है PDF मैं शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। ये मैंने मना किया था ना आपसे, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कोई भी अपनी वीडियो ऑफ ऑन नहीं रखेगा। तान्या सिंह, अपनी वीडियो ऑफ करो। बेटा आपकी वीडियो आ रही है, ऑफ करो उसे। ओके, आपसे पहले ही मैंने कह दिया, नहीं तो मैं क्लास से आप लोगों को रिमूव कर दूंगी। म्यूट कौन है? स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये आपको मैंने बताया था कि सही हो के जो है यहाँ पर देखिए सही आंसर ये लिखा हुआ है, ये आपको पोर्टल पे अपलोड होके मिल जाएगा। ये वर्क आपका, ये बुक वर्क है जो कि आपको अपनी बुक में ही फिल करना होगा। आपको पहले भी मैंने दिखाया था, आप फिर से आप इसको देख सकते हैं। देखिए 5A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये आपको पूरा बुक में ही फिल करना है, आप इसे बुक में ही करेंगे। 5, 6 और 7 जो है वो कॉपी में, मैंने आपको कॉपी वर्क है वो आप कॉपी में करेंगे जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर देखिए 5B में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपका बुक वर्क है, आप बुक में करेंगे। 6 भी आप बुक में फिल कर सकते हैं और 7 भी आपको बुक में फिल करना है। कुछ मैंने कॉपी में करवाए हैं वो हम अभी कॉपी में आपको दिखाऊंगे। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है जो बुक वर्क है, आपको बुक में करना है। 8, 9 और 11 ये जो है आपका बुक वर्क है, ये आप बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कॉपी वर्क है, वो अभी आपको मैं कॉपी में करवाऊंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये कॉपी वर्क स्टार्ट होता है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूर से भी आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इसमें क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन 5 सब्ट्रैक्शन कॉपी वर्क एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, कॉलम में अरेंज कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने किया हुआ है,
61,458, उसी के नीचे लिखा है 20,143. 8 में से 5 को माइनस किया 3 आया, 5 में से 4 को माइनस किया 1, 4 को में से 1 को माइनस किया 3, 1 में से 0 माइनस होगी नहीं इसलिए 1 का 1, 6 में से 2 को माइनस किया 4. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने, यही इसका आंसर है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है 3,26,845, उसी के नीचे लिखा है 3,01,413. 5 सिंपल माइनस है ये, जो कि बहुत इजी है. 5 में से 3 को माइनस किया 2, 4 में से 1 को माइनस किया 3, 8 में से 4 को माइनस किया 4, 6 में से 1 को माइनस किया 5, 2 में से 0 को माइनस किया तो 0, ओ सॉरी 2, 3 में से 3 को माइनस किया तो 0. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर लिखा है सब्ट्रैक्ट 41,536 फ्रॉम का मतलब होता है स्टूडेंट से, फ्रॉम का मतलब होता है से. अगर इस तरीके से लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि फ्रॉम के बाद जो डिजिट लिखी है या जो नंबर लिखा है वो जो है वो ऊपर लिखना होता है, और फ्रॉम से पहले जो नंबर होता है वो हमें नीचे लिखना होता है, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. फ्रॉम अगर बीच में लिखा हुआ है, अगर माइनस का साइन नहीं लगा है और उसकी जगह पे फ्रॉम लिखा है, तो आप समझ जाइए कि जो पीछे वाला नंबर है वो ऊपर लिखा जाएगा और आगे वाले नंबर को नीचे लिख के तब माइनस करेंगे हम. क्लियर हो गया? अब इस जो यहाँ पर जो वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको पहले हम जो है काउंटिंग में डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर आ गया है आपका देखें 5,74,958. ये जो है ये बाद वाली डिजिट है आपकी 5,74,958, और फिर जो आगे वाली डिजिट है वो है 41,536. अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे. 8 में से 6 माइनस किया 2, 5 में से 3 माइनस किया 2, 9 में से 5 माइनस किया 4, 4 में से 1 माइनस को किया 3, 7 में से 4 को माइनस किया 3, और 5 का 5. उसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो माइनस नहीं हो पाएगी. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब स्टूडेंट्स. If the subtrahend, ये आपका कॉपी वर्क है, आपको कॉपी में जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वैसे ही आप कॉपी में करेंगे. If the subtrahend equals to 74,537, और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए. And the minuend 7,789. Then find the difference. आपको इसमें डिफरेंस निकालना है. सब्ट्रैहेंड इन्होंने पहले दे दिया, मिन्यूहेंड बाद में दिया हुआ है. देखिए तो जो है मिन्यूहेंड सबसे आपको मालूम है सबसे ऊपर वाला नंबर मिन्यूहेंड होता है, तो जो है उस नंबर को आप ऊपर लिख दीजिए मिन्यूहेंड को और सब्ट्रैहेंड को नीचे लिख देंगे, उसके बाद आपका डिफरेंस निकल आएगा. इसका देखिए मैंने एक फॉर्मूला भी ऐसा लिखा है कि डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले मिन्यू हैंड लिखते हैं और उसमें से सब्ट्रा हैंड को माइनस करते हैं. तो मिन्यू हैंड वाली डिजिट ऊपर लिखी है, सब्ट्रा हैंड वाली डिजिट नीचे लिखी है, और उसके बाद उसका आंसर डिफरेंस निकल आया है. स्टूडेंट्स माइनस जो है वो आपको सब आता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार माइनस को समझाने की इस समय जरूरत है. वैसे मैं आपको बता दूं 9 में से 7 माइनस किया 2, 8 में से 3 माइनस किया 5, 7 में से 5 माइनस किया 2, 8 में से 4 माइनस किया 4, 7 में से 7 माइनस किया 0, और 7 का 7, क्योंकि इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है. श्रेया अगर आप ऐसे ही हैंड रेस करती रहोगी तो आज नीचे वाला सम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. बेटा आप लोग जब हैंड रेस करते हो तो नीचे वाला सम जो है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ. आप देखिए
आपका जो है एक्सरसाइज 5 भी शुरू हो रही है। 5B में भी क्वेश्चन नंबर आप देखिए, मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अभिषेक गोयल, जब आप 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरी क्लास में एंट्री क्यों कर रहे हैं? मैं बार बार हटा रही हूँ पर बार बार आप एंट्री कर रहे हैं। मैं आपसे आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ। अगर आपका कोई और नाम है तो आप अपने नाम से एंट्री कीजिए, मुझे क्या मालूम, आपने 7th ए लिख रखा है। अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, पहले हमें इसे कॉलम्स में जो है करना है स्टूडेंट्स। नैतिक, मना किया ना मैंने, किसी को कुछ नहीं पूछना, हैंड रेज हटाओ। नैतिक, नैतिक आप, मैं जो है सम को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी अगर आप इसी तरह इस पे हैंड रेज करे रहेंगे। नैतिक, नैतिक समझ में नहीं आ रहा है, हटाओ यहां से अपना नाम, रिमूव। इसको हमें कॉलम में अरेंज करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें एक चीज और लिखी है स्टूडेंट्स, चेक द आंसर। मैंने आपको बताया था आंसर चेक कैसे कहते हैं एग्जांपल्स में, यहां पर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप इसको देखते हैं बड़ा करके, ये देखिए, तो यहाँ पर है 20,140, इसमें से माइनस करेंगे 765 को। आपको मालूम है ये कैरी वाला सम है, खुशी वर्मा। तो जीरो में से फाइव को हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते स्टूडेंट्स, पहले भी मैं आपको सारे सब्ट्रैक्ट समझा चुकी हूँ। एक दो सम मैं और समझाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। टेन में जीरो में से फाइव को हम माइनस कर नहीं सकते, इसलिए हमें जो है टेंस में से जो है वन हम जो है कैरी बोरो करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा फिर वो कैरी जो है आगे लिखी जाती है जीरो के जो भी नंबर होता है, तो यहाँ पर हो गया 10 और वहां पर हो गया 3 टेंस के उस पे प्लेस पे 4 की जगह, क्योंकि एक कैरी दे दी है तो वहां पर हो गया 3। अब यहाँ पर वंस पे 10 में से 5 को माइनस किया, आंसर आया 5। यहाँ पर 3 रहा, 3 में से 6 को हम जो है माइनस कर नहीं सकते, इसलिए हमने बगल 100 से फिर एक कैरी ली, तो 100 के प्लेस पे हो गया 0 और यहाँ पर 1, 3 के आगे 1 कैरी लग गई, तो यहाँ बोरो करी है तो हमने यहाँ पर हो गया 13। 13 में से 6 को माइनस किया तो आएगा 7। स्टूडेंट्स 100 के प्लेस पे 0 है, इसलिए जो है अब हम इसको जो है 1000 से लेंगे, पर 1000 के प्लेस पे 0 है तो वहां से कैरी नहीं ले सकते, इसलिए हम जो है 10,000 के प्लेस से लेंगे। पहले 10,000 से हम 1000 को देंगे, तो 10,000 पे 2 में से एक कैरी दे बोरो कर ली है तो 1 हो जाएगा वहां पर। यहां पर 1000 के प्लेस पे जो है वो 10 हो गया 1010, पर हम इस कैरी को जो है 100 को दे रहे हैं, तो इसलिए 1000 के प्लेस पे अब 9 हो जाएगा और जो है 100 के प्लेस पे 1010 हो जाएगा। 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 1000 के प्लेस पे कोई नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए 9 का 9 नोट डाउन कर देंगे, और जो 10,000 के प्लेस पे भी कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 का 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आया 19375 आपका आंसर। अब जो है हमें इसको चेक करना है, चेक करने के लिए हमने क्या किया है, चेक करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर देखिए इसको चेक करने के लिए हमें सब्ट्राहेंड मतलब नीचे वाले नंबर, बीच वाले नंबर और डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सबसे नीचे वाले नंबर को प्लस करना होता है, तो हमारा सबसे ऊपर वाला नंबर मेन्यू हैंड निकल कर आ जाता है, तो हमारा पता चल जाता है ये आंसर सही है कि गलत। इसमें हमें फिर से सुन लीजिए, सब्ट्राहेंड बीच वाला नंबर
और डिफरेंस मतलब सबसे नीचे वाले नंबर को प्लस करना होता है, तो जो सबसे ऊपर वाला नंबर है मेन्यू हैंड वो हमारा निकल के आ जाता है। अगर वो सेम नंबर आता है तो इसका मतलब आंसर इज करेक्ट है। अब देखिए सब्ट्रैहेंड क्या था, जो था 765 और जो डिफरेंस निकल के आया था 19,375। इन दोनों को हमने लिख लिया है तो यहाँ पर इसको प्लस करके देखा है, 5 और 5 0 लिखा, 1 कैरी लगा दी, 6 और 7 13 और 1 14 की 1 कैरी लगा दी, 7 और 3 10 और 1 कैरी 11 का 1 कैरी लगा दी, तो यहाँ पर था 9 और 1 को प्लस किया तो 0 हो गया और 1 कैरी लगा दी, 1 यहाँ पर 1 था नीचे डिफरेंस है, 1 और 1 को प्लस किया तो हो गया 2। अब आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो द आंसर इज करेक्ट 20140, वही आंसर आपका निकल के आ गया, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन और है जो कि मैं सब्ट्रैक्ट करके आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए इसको अरेंज किया है पहले कॉलम्स में, कॉलम्स में अरेंज किस तरीके से करना है आपको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस के डिजिट, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड के डिजिट, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, टेन थाउजेंड के नीचे टेन थाउजेंड, लाख के नीचे लाख के डिजिट। इसी तरीके से आप डिजिट लिख के माइनस कर देंगे। कैरी बोरो करना मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपने जो है इन दोनों को माइनस किया, फिर आपने चेक करना है आंसर। आपको फिर मैंने बताया बीच वाला नंबर जो है सब्ट्रैहेंड वाला 586939 और 541361, इन दोनों को सब्ट्रैहेंड और डिफरेंस को प्लस करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा मेन्यू हैंड। यहाँ पर देखिए 600,000 निकल के आ रहा है, द आंसर इज करेक्ट, इनको यहाँ पर प्लस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मेन्यू हैंड इज, मेन्यू हैंड बताया है 54,321 एंड द सब्ट्रैहेंड 29,469, फाइंड दैट डिफरेंस। इसमें इन्होंने सिंपल प्लस माइनस की जगह इन्होंने बता दिया मेन्यू हैंड ये है और सब्ट्रैहेंड ये है, डिफरेंस निकालना है। आपको मालूम है सबसे ऊपर वाले नंबर को मेन्यू हैंड कहा जाता है, उसे उसी तरीके से लिखिए और सब्ट्रैहेंड उसके नीचे लिखिए, प्लेस के अकॉर्डिंग लिखना है और फिर इसका डिफरेंस निकाल देना है। कैरी बोरो करना आपको मैं सिखा चुकी हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ये आंसर करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी आपको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैंने आपको कुछ सम उसमें से करके दिखाए हुए हैं कि आप किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बताया था सब्ट्रैहेंड निकालना होगा तो मेन्यू हैंड और डिफरेंस को माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है और फिर ये आपका मेन्यू हैंड में से सब्ट्रैहेंड को माइनस किया है, यहाँ पर आपका ये डिफरेंस को माइनस किया है और ये आपका सब्ट्रैहेंड निकल आया है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस के साइन में आंसर सबसे ग्रेटर होता है इसलिए, और ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, इसलिए जो है आंसर में से हम जो जो नंबर दिया हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे तो देखिए आपका ये जो है दूसरा नंबर निकल आएगा। 00 के आगे की कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने केवल आंसर 2 लिख दिया है। यहाँ पर देखिए फिर वही प्लस का साइन है, आपको मालूम है दोनों नंबर स्मॉलर होते हैं, सम जो है वो सबसे ग्रेटर नंबर होता है तो आंसर में से जो है सबसे आगे वाले नंबर को जो नंबर दिया है उसको माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर हमारा निकल आएगा। ओके, प्लस में भी माइनस करके निकलेगा आंसर और माइनस में भी माइनस करके आंसर निकल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, ये सिंपल प्लस माइनस के तरीके से है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सरसाइज जो है 10 का देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए सिंपल आपको पूरा दिखाई दे रहा है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने लिखा है, उसको हमने माइनस कर दिया है। यहाँ पर देखिए दूसरा सम भी मैंने किया हुआ है, ये भी इसी तरीके से करके जो है सिंपल प्लस माइनस आप बहुत दिनों से सीखते आ रहे हैं, आपको सब आता है ये।
ये आपका जो है वर्क, आपको 5B जो है ये पहले वाले उसमें थी, क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन उसमें था, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यहाँ पर है। ये आपको सारा जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक भी वर्ड आपको ना दिखाई दे रहा हो। तो ये आपका जो है ये वर्क है। स्टूडेंट्स कल जो है हम आपकी 5A और 5B का जो है वो कॉपी वर्क आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा 5C, 5D और 5E रह गया है। 5C, 5D और 5E ये भी पूरा कॉपी वर्क है। 5C में वर्ड प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको कल शो करूंगी और आपको क्योंकि एक्सप्लेन भी करूंगी, आप उसके लिए अपने साथ में बुक भी लेके बैठिएगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मैंने पूरी पूरी नोट नहीं करी है, डैश डैश करके करी है। तो वर्ड प्रॉब्लम मैं बुक से ही रीड करूंगी और आप भी अपने बुक में ही देख के उससे समझिएगा। 5D को भी क्वेश्चंस मैंने उसमें करे हुए हैं, आपको मैं शो कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 5C की वर्ड प्रॉब्लम करी है, ये कल मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी इन वर्ड प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट पीरियड में, कल नहीं होगा तो जो मंडे को होगा जो भी पीरियड उसमें एक्सप्लेन करूंगी, जब भी उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये 5C। फाइव सी जो है मैं उस समय आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर देखिए 5C दी हुई है, 5D भी दी हुई है मैंने, तो फिर मैं आपको 5D आपको एक्सप्लेन करूंगी उसके अकॉर्डिंग, और फिर मैं आपको 5D के बाद 5E एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग। ये आपका वर्क है पूरा जो कि वो है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद ही पोर्टल पे अपलोड होगा, पहले अपलोड नहीं होगा। जब मैं एक्सप्लेन कर लूंगी तभी अपलोड होगा, इसलिए मुझसे कोई ना कहे कि मैम अभी तक ये अपलोड नहीं हुआ है। ये पूरा सम एक्सप्लेन करने के बाद ही अपलोड होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने जो भी असम कराए हैं। ये देखिए ये मैंने आपको आज आपका वर्क कराया है, ये सारा वर्क मैंने आपको पहले ये मैंने बुक वर्क में बुक के एक्सरसाइज के समय एक्सप्लेन कर दिया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स जो है टाइम ओवर हो रहा है इसलिए मैं क्लास का एंड कर रही हूँ।